आज की पहल टीवी के लिए जय कुमार साहू की रिपोर्ट मोगावली से। विकसित भारत यात्रा के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज नगर आगमन हुआ। 21 जनवरी को विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मोगावली शहर में आगमन हुआ। नगर परिषद मंच पर पूर्व राज्य मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक राव बिरजन सिंह यादव सहित उपस्थित अन्य गणमान्यों का आगमन हुआ। श्री सिंधिया ने माइक थामते ही भाजपा की भारी सफलता के लिए पब्लिक को जीत का धन्यवाद किया। अपने लंबे भाषण में कांग्रेस को दोषी बताया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तारीफ करते हुए उनकी योजनाओं की बार बार तारीफ करते रहे। महापुरुष दर्शाया, उन्होंने कहा कि मोदी है, हर काम मुमकिन है। ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। भारत माता की। आज इस भारत विकसित संकल्प यात्रा में हमारे बीच पे मंच पर विराजमान जन जन के लाले विकास के मसीहा केंद्रीय मंत्री परम सम्मानीय श्रीमंत महाराज साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानीय आलोक तिवारी जी, हमारे अशोकनगर के पूर्व विधायक सम्मानीय जटपाल सिंह जज्जी जी, हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष सम्मानीय श्रीमती नीतू नरेश ग्वाल जी, सम्मानीय हमारे जिले के महामंत्री रविंद्र लोधी जी, सम्मानीय जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र जैन साहब, सम्मानीय दीपक पालीवाल जी, सम्मानीय मंडल अध्यक्ष राजेश यादव जी, सम्मानीय उमेश रघुवंशी जी, सम्मानीय हमारे सभी पार्षदगण, उपाध्यक्षगण, मनीष मोदी जी, सभी हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, सम्मानीय मंच, मेरे समक्ष बैठे सभी सम्मानीय नागरिक बंधुओं, मेरी माता बहनों, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, कल का दिन जो है हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। कल जो हम 500 साल से इंतजार कर रहे थे, वो ऐतिहासिक पल कल हमको देखने को मिलेगा। अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान होंगे और हमारे एक एक घर में कल उत्साह मनना चाहिए, कल दीपावली मनना चाहिए। साथियों, ये सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे देश की बागडोर हमारे ऐसे होनहार देवतुल प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में जब आई, साथियों जो 500 साल से हमारे पूर्वज इंतजार कर रहे थे, वो आज हमारे समक्ष वो काम होने जाना ऐतिहासिक पल है। साथियों, आज जो भारत विकसित संकल्प यात्रा का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर एक एक गांव में एक एक शहर में चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो जनहितैषी योजनाएं हैं, उनकी सोच है कि एक एक योजना का लाभ एक एक पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं मिलना चाहिए व्यक्ति परेशान ना हो, शहर में जनपद के तहसील के चक्कर ना काटे, इसलिए गांव गांव ये यात्रा जा रही है। गांव में ही जनता के काम हो, इसके पहले भी प्रधानमंत्री बने, पहले भी सरकार बनी, पर कभी किसी ने गरीब के बारे में सोचा, किसान के बारे में सोचा, महिलाओं के बारे में सोचा, युवाओं के बारे में सोचा, देश के बारे में सोचा, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा। साथियों, आज अगर किसी ने सोचा, किसी प्रधानमंत्री ने सोचा, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा, जो आज जनहितैषी इतनी सारी योजना है कि मैं रात भर भी खड़ा रहूंगा तो नहीं गिना पाऊंगा। ऐसा यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको प्रधानमंत्री जी की योजना का लाभ ना मिल रहा हो, किसी ना किसी योजना का हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। महाराज साहब, जब हम यात्रा में जाते हैं, कई लोग हमको ये बताते हैं कि एक योजना नहीं, हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 10-10 योजना का एक एक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, कितनी सारी योजना है। साथियों, मैं किन शब्दों में महाराज साहब का आभार व्यक्त करूं, आज एक छोटे से कार्यकर्ता को, आप सबके आशीर्वाद से, महाराज की कृपा से, महाराज का विश्वास,
एक इतिहास मुंगावली का रचा। 6 साल के अंदर 4-4 बार मुझको टिकट देकर, मुझको अपना आशीर्वाद देकर, मुझको मंत्री बनाकर, साथियों मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतने जल्दी इतने चुनाव। लेकिन चुनाव मैं नहीं लड़ा, मेरा हर चुनाव मेरे महाराज साहब ने लड़ा। महाराज साहब की कृपा रही मेरे ऊपर और आप सबका विश्वास महाराज के ऊपर। आप तो केवल प्रत्याशी देखते हैं कि महाराज का प्रत्याशी कौन है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन है। और आज भरपूर आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा। महाराज साहब मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं, आपको धन्यवाद दूं। इस एक छोटे से किसान के बेटे को आपने इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया, आपकी कृपा और आपका विश्वास। लेकिन महाराज आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिंदगी भर तक मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार और ये क्षेत्र की जनता आपकी ऋणी रहेगी, आपके साथ रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी और हम सब मिलकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे और इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। समय बहुत हो चुका है, बहुत लेट हो चुके हैं, बोलने को तो बहुत कुछ था लेकिन समय का अभाव है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवान राम की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विधायक जी की सहजता सरलता इसी से झलकती है। अपनी स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले पाता, प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड योजना बनाया है, एक एक गरीब को आयुष्मान कार्ड की पात्रता अशोकनगर जिले में दी जाएगी और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य में कोई भी खर्चा हो आपका वो आपको व्यय नहीं करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके लिए बिल दिलवा के पूरी राशि दिलवाएंगे मेरे भाई और बहन। 30 करोड़ जनता को ये कवरेज पूरे देश में दिया गया है। 9 साल में 77,000 करोड़ रुपया इस योजना के तहत खर्च किया गया है, क्योंकि गरीबी मिटाना ये नारा नहीं होना चाहिए, गरीबी मिटाना जमीन से उखाड़ के गरीबी को फेंकना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है मेरे भाई और बहन। तो चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कितनी महिला यहां है जिनको उज्ज्वला की योजना का लाभ मिला है, हाथ उठाओ। स्टोव भी मिला गैस का और गैस का कनेक्शन भी मिला। पहले लकड़ी से फूंक फूंक के 2 सिगरेट का पैकेट रोज मेरी महिलाएं निगलती थी अपने फेफड़े के अंदर। किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा, केवल नरेंद्र मोदी जी ने सोचा और आज देश के अंदर 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रधानमंत्री ने दिलवाया है मेरे भाई और बहनों। अरे आप भी ताली बजाओ, नहीं तो रोटी नहीं बनेगी घर पे, समझ लो। अगर उज्ज्वला गैस कनेक्शन, क्यों मेरी महिलाएं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं, हर महिला को मिलना चाहिए कि नहीं। और आपकी रोटी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गैस के कनेक्शन पे बने, ये सोच विचारधारा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, सुनार हो, लोहार हो, हमारा शिल्पकार हो, 75 वर्षों में किसी ने नहीं सोचा, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15,000 करोड़ रुपए का विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। 15,000 रुपया हर विश्वकर्मा मेहनतकश कर्मचारी को दिया जाएगा औजार खरीदने के लिए, ताकि वो आज सशक्त भारत का भाग बन पाए। ये कल्पना है। और आज जो ड्रोन यहां लाया गया था मेरे मंत्रालय से, अभी बाहर जाके मैं आपको उड़ा के दिखाऊंगा, 1,265 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। 10,000 मेरी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा मुफ्त,
उनको ड्रोन मुफ्त में दिया जाएगा और उनको सरकार के द्वारा ड्रोन की बीमा भी दी जाएगी और पहला सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाएगा ताकि नैमो ड्रोन दीदी 10,000 इस देश में अपना पूरा दिनचर्या और अपना रोजगार ड्रोन के आधार पर पायलट बन के कर पाएंगे। तो जहां एक तरफ धन्यवाद सभा है, आशीर्वाद जो आपने ब्रिजेंद्र लोक जी मुझे प्रदान किया, बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता को प्रदान किया, दूसरे तरफ जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम इस क्षेत्र में है, वहीं तीसरे तरफ समझ लेना आज छोटी दीपावली है, घर घर में दिया जलना होगा क्योंकि कल अयोध्या नरेश, अयोध्या नरेश भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अपने जन्मभूमि में की जाएगी। मेरे भाई और बहनों, 11वीं शताब्दी से इस देश में 11वीं शताब्दी से इस देश के अंदर आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिरों को ध्वस्त किए, चाहे उज्जैन का महाकाल हो, सोमनाथ का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का हो, अयोध्या का हो, आज हजारों साल बाद जो एक एक भारत के नागरिक का सपना रहा, एक एक भारत के नागरिक की आशा अभिलाषा रही, मां भारती भी एक ऐसे सुपुत्र का इंतजार कर रही थी जो दोबारा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा उनकी जन्मभूमि में संभव कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में वो भारत माता का सुपुत्र आज इस युग में वो संभव करवा रहा है। 500 साल की प्रतिष्ठा है, 500 साल की मेहनत है, कार सेवकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, मेरी आजी अम्मा राजमाता विजय राजे सिंधिया जी ने इस विषय को पूरे राष्ट्र पटल पर बुलंद किया, इन सभी आत्माओं को कल के दिवस पर शांति मिलेगी जब राम लल्ला दोबारा अपने जन्म स्थली पे विराजमान होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। हाथ उठाओ और मुट्ठी बांधो और बोलो मेरे साथ कि आज शाम को हर घर में दीप जलेगा, कर पूरे दिन में हर घर में दीप जलेगा, मेरा घर, बोलो मेरे साथ, मेरा घर, मेरा अयोध्या, मेरा वार्ड, मेरा अयोध्या, मेरा गांव, मेरा अयोध्या। और नगर के लोग महागांव से होते हुए जहाँ मां भारती का आयोजन किया गया है, सभी लोग भैया